आज हम लोगों ने सोचा था कि जो कीनोट लेक्चर हो उसमें हम लोग अस्तित्व की व्यवस्था और उसके स्वयं को जोड़कर बात रखें। तो मंथली मीटिंग्स में हम लोग क्रमशः जहाँ से शुरू किए थे, तो पहले पूरी मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस प्रकार है, उसके बेसिक गाइडलाइंस क्या होंगे, प्रक्रिया क्या होगी, इन सब मुद्दों पर बात किया। फिर हम लोगों ने जीने के एक एक स्तर को एक एक करके लिया और उससे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं सामाजिक, पारिवारिक, शिक्षागत, उन सबको लिया। इसी क्रम में प्रकृति की व्यवस्था पे हम लोगों ने चर्चा पूरी कर ली थी, तो अब अस्तित्व की व्यवस्था पे चर्चा करने वाले हैं। जो प्रस्ताव है संक्षेप में, हमारे पास इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप और UHV2 के माध्यम से गए हैं। सुबह के सत्र जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको भी ये प्रस्ताव गया है, तो उसको ही एक बार हम लोग फिर से इसको ले रहे हैं, थोड़े से और विस्तार और गहराई मिलने का प्रयास करेंगे। तो अनुभव मेरी क्रिया है, ज्ञान मेरी आवश्यकता है, और ज्ञान की पूर्णता सहअस्तित्व के अनुभव से है। इस बात को भी हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे। जब अपनी ओर ध्यान देते हैं तो दो तरह की वास्तविकता दिखाई देती है, एक मैं और एक शरीर। अपने बारे में ध्यान देते हैं तो दिखता है कि मेरी आवश्यकता एक प्रकार की है, शरीर की आवश्यकता अलग प्रकार की है। मेरी क्रियाएं एक प्रकार की है, शरीर की क्रियाएं अलग प्रकार की है। मेरा रिस्पॉन्स भी जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना इस रूप में है, जबकि शरीर का रिस्पॉन्स मेयरली पहचानना और निर्वाह करना के रूप में है। तो मुझ में जानने मानने की क्रिया हो रही जो शरीर में नहीं हो रही, और यही जड़ और चैतन्य का अंतर है। तो अपनी ओर ध्यान देते हुए हमें जड़ और चैतन्य ये दोनों वास्तविकताएं भी समझ में आती हैं। जानना हम सभी चाहते ही है, जानने के लिए ही पूरी शिक्षा व्यवस्था है, जानने के लिए ही हम इतना सारा उपक्रम बनाते हैं। अभी जो संवाद कर रहे हैं जानने के लिए ही कर रहे हैं। एक बार जानना हो जाए ताकि हमारा मानना ठीक हो जाए, जिससे पहचाना निर्वाह करना ठीक हो जाए, जिससे जीना ठीक हो जाए, जिससे निरंतर सुखपूर्वक जीने की जो आशा है पूरी हो जाए। तो जानना क्या है और जानने की पूर्णता किस प्रकार है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अपनी ओर ध्यान देते हैं तो कुछ क्रियाएं दिखाई देती हैं, चित्रण, विश्लेषण, तुलन, चयन, आस्वादन। उसी को जब शक्ति के रूप में देखते हैं तो इच्छा, विचार, आशा, ऐसी क्रियाएं दिखाई देती हैं। तो इच्छा का मतलब ये हुआ कि मैं चित्रण करता हूँ। क्या चित्रण करता हूँ, मेरी मूल इच्छा क्या है, निरंतर सुखपूर्वक जीना। उस क्रम में मैं चित्रण करता हूँ कि मैं निरंतर सुखपूर्वक कैसे जीऊँ, मैं अपने आप में कैसा हो जाऊँ, मेरा परिवार कैसा हो जाए, मेरे संबंध कैसे हो जाए, मेरा जीना कैसा हो जाए, मेरे पास सुविधाएं कैसी हो जाए, मेरे आसपास की प्रकृति कैसी हो, समाज कैसा हो, लोग कैसे हो, ये सारा मैं अपने आप में चित्रित करने का प्रयास करता हूँ जितनी मेरी योग्यता होती है। जैसा मैं चित्रण करता हूँ उसके अनुसार मैं विश्लेषण करता हूँ, उसी को मैं बांट बांट कर हिस्सों में देखने का प्रयास करता हूँ, और फिर जो भी हिस्से बनते हैं उसको मैं आपस में तुलना करता हूँ। तो मूल इच्छा तो हमारी है कि निरंतर सुखपूर्वक जिए, पर जो भी सुख के बारे में हमने माना हुआ है उसके अनुसार हम विश्लेषण करते हैं। उसी के लिए जो भिन्न भिन्न मेरे पास विकल्प रहते हैं उनमें मैं तुलन करता हूँ, और फिर जिसमें सुख का स्वाद लगता है उसको मैं चयन करता हूँ। उस क्षण में जिस चीज में मुझे सुख लगता है, इसमें आस्वादन होता है कि हाँ इसमें सुख मिलेगा, जो आशा पूरी होगी मेरी सुख की, उसका मैं चयन कर लेता हूँ। और जैसा मैं चयन करता हूँ वैसा ही आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार मैं व्यवहार कार्य में ले जाता हूँ, खरीदारी करता हूँ। तो मुझ में क्या चल रहा है और शरीर में क्या चल रहा है, इसको ठीक ठीक हम देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो लिखा है जिसको कल्पनाशीलता कहेंगे, मुझ में चल रहा है। शरीर के साथ जुड़कर व्यवहार कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, और जब मैं व्यवहार कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, या फिर शरीर से कोई मैं संवेदना को पढ़ रहा हूँ, उस क्रम में शरीर के साथ मेरे सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। अब ये देखने की बात है कि मुझ में जो कुछ चल रहा है कल्पनाशीलता में उसका स्रोत क्या है। उसका एक स्रोत हो सकता है मान्यता, कोई बात हमने मान ली बिना जाने के, तो हमने सुख के बारे में कुछ मान लिया, यही सुख है। हमने संबंध के बारे में कुछ मान लिया, हमने अपने आवश्यकता के बारे में कुछ मान लिया, हमने शरीर के बारे में कुछ मान लिया, परिवार के बारे में कुछ मान लिया, लोगों के बारे में कुछ मान लिया। तो जो भी हम मान लेते हैं उसके अनुसार हम विश्लेषण करते हैं, तुलन करते हैं। तो अगर ये एक स्रोत है कि हमने कुछ मान लिया और मानने के साथ हम ये सारा कुछ करने लगे, कुछ मान्यताएं बन गई, मान्यताएं धीरे धीरे गहरी होती गई अगर उस पर हमने जांच परख नहीं की, उसकी क्वेश्चनिंग नहीं की, या जीने में उसको परख कर नहीं देखा तो उसको मानते चले गए। एक स्रोत है मान्यता। दूसरा स्रोत है कि हमने संवेदना को सुख मान लिया, तो कोई गहरी मान्यता हमारे अंदर बैठ गई, ये हमारी कल्पनाशीलता का एक स्रोत है।
दूसरा स्रोत हो सकता है संवेदना, कोई अनुकूल संवेदना आ रही है और उसको सुख मानकर फिर मैं उसके अनुसार कल्पना करता हूँ, और तीसरा स्रोत है मेरी साहसी कृति। संवेदना को देखें तो शरीर के भीतर जो क्रियाएं हो रही हैं उनसे कोई संवेदना मुझे मिल रही है, या शरीर के बाहर जो क्रियाएं हो रही हैं उसका शरीर पर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे कुछ संवेदना मिल रही है। शरीर के बाहर जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें देखें तो दो प्रकार से, या तो मानव का कोई व्यवहार हमें मिल रहा है सूचना के रूप में, या शेष प्रकृति में कुछ घटनाएं हो रही हैं, जड़ जगत में कुछ घटनाएं हो रही हैं, पशु पक्षियों के साथ कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो ये सारा कुछ एक बाहर की घटनाओं की मुझे सूचना मिलती है। जब मैं सहज स्वीकृति के आधार पर देख रहा होता हूँ तो मेरी एक तरह की स्थिति बनती है, और जब मैं मान्यता या संवेदना के आधार पर चीजों को कल्पना कर रहा होता हूँ तो मेरी एक अलग तरह की स्थिति बनती है। तो आप पाएंगे कि अगर मैं मान्यता के आधार पर चल रहा हूँ तो मेरी स्थिति सुख की निरंतरता नहीं होती, संवेदना के आधार पर चल रहा हूँ तो भी मेरी स्थिति सुख की निरंतरता के आधार अर्थ में नहीं होती, यदि मैं सहज स्वीकृति के आधार पर चल रहा हूँ आधार पर कल्पना कर रहा हूँ इसमें संभावना होती है। तो मान्यता के आधार पर जीता हुआ मैं परतंत्र रहता हूँ, संवेदना के आधार पर जीता हुआ मैं परतंत्र रहता हूँ, बट यदि मैं सहज स्वीकृति के आधार पर जीता हूँ तो मैं स्वतंत्र होता हूँ। तो ये सहज स्वीकृति क्या है, ये एक सहज रूप से प्रश्न बनता है। इन सब में जांचने परखने के बहुत सारे मुद्दे हैं, एक तो अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होना, दूसरा उसके स्रोतों को देखना, उसके साथ अपनी स्थिति को देखना, और यदि इनमें सुख नहीं है तो सुख क्या है कहाँ है इसको अपने आप में देखना, यानी अपनी सहज स्वीकृति को देखना। इसको जैसे जैसे हम देखते हैं हमें अपने अंदर जो पोटेंशियल है जानने का इसके प्रति एक अवेयरनेस बनती है, सजगता बनती है। तो दिखता है कि मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है जान लेने का, कि मैं मानव को मानव की तरह जान पाऊँ, शेष प्रकृति को शेष प्रकृति का जान पाऊँ, स्थिति को जैसा वैसा जान पाऊँ, इसका पोटेंशियल मुझ में है, और वो जो मुझमें पोटेंशियल है वही मेरे अंदर सहज स्वीकृति के आधार पर रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो अभी इस पूरी प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रस्ताव हमें मिल रहा है उसको हम सुन रहे हैं, उसको अपने कल्पनाशीलता में फैला रहे हैं, फिर उसको हम जांच कर देख रहे हैं स्वयं में। जब जांचने जाते हैं तो इन वास्तविकताओं पर ध्यान जाता है, तो धीरे धीरे ये क्रियाएं जो मुझमें अभी अजागृत हैं जागृत होने लगती हैं, और जैसे जैसे जागृत होती हैं, जितनी जागृत होती हैं उतनी मेरी कल्पनाशीलता में एक निश्चितता, स्थिरता, लय, सामंजस्य बनने लगता है, और इस सबको हम लोग देख पा रहे हैं। अभी जो शेयरिंग हो रही थी उसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे भैया कह रहे थे पहले तन और मन तो मैं लगा पा रहा था, धन को लेकर तत्परता नहीं होती थी, परंतु अब मैं उसको देख पा रहा हूँ अपने आप में। तो हमें ऐसी बहुत सारी चीजें हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीने में देख पा रहे होंगे, जहां जहां मेरा ध्यान चला जाता है वहां मुझे अस्तित्व वास्तविकता जैसे रिफ्लेक्ट होती है, और उसके साथ मेरे जीने का कार्यक्रम बन लगता है, निर्णय होने लगते हैं। संबंध को लेकर जो भैया बहुत सारी बातें शेयर कर रहे थे, अपने कार्यस्थल पे जो बातें शेयर कर रहे थे, तो इस तरह से ये हम में से हर व्यक्ति अपने आप में कुछ ऐसी संभावना देख पा रहे होंगे। इसको ही जांचते परखते हुए हम सब में एक संक्रमण होने लगता है, लोग हैंड्स रेज दें, प्रश्न लेते हैं। अविनाश श्रीवास्तव जी, हेलो जी। जी भैया, हिमांशी जी ने हैंड रेज किया है समय से। हिमांशी जी बताएं, यहाँ तो मुझे कुछ और भी नाम देख रहे हैं। जी हिमांशी जी है, हिमांशी जी बताएं। सजलकार जी, संतोष जी, सुनील दुबे जी, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी संतोष जी। जी भैया प्रणाम, और हमारे जुड़े सभी साथी जो जुड़े हुए हैं जो लेक्चर दे रहे हैं उन सभी को प्रणाम करते हैं। और एक छोटी सी बात पूछनी थी कि जो पहले आस्थाना जी ने और उसके पहले भी भाई साहब ने बताया था कि चूंकि इस प्रोग्राम को हम स्कूलों में तो ले जा रहे हैं, स्कूलों तक, चूंकि मैं स्कूल का टीचर हूं और वहां पर भी ले जाने का जो हमको प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये था कि इसको
जनसमूह तक कैसे ले जाया जाए कि जो प्रतिदिन की घटनाएं होती है उन घटनाओं को देख करके भी कभी मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि इस प्रकार के अपराध हुए या कोई घटनाएं जो अनभिज्ञता के कारण घट जाती हैं और समाज में फिर जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो उसके लिए हमें समाज के साथ मिलकर के क्या कार्य करना पड़ेगा? चूंकि स्कूल तक तो सीमित है लेकिन ज्यादातर जो इलीगली जो काम होते हैं वो समाज में हो रहे हैं। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि समाज का एक पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स और हम भी उसी के बहुत बड़े अंग हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बड़े बड़े लीडर्स तक, बड़े बड़े हमारे जो और भी अन्य लोग हैं वहां तक इस प्रकार की बातें बड़े पैमाने पर होती हैं और जहां पर इस प्रकार की बड़ी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं का खामियाजा पूरे समाज के साथ साथ बच्चों को भी भुगतना पड़ता, प्रकृति को भी भुगतना पड़ता है, तो उस हेतु कोई ऐसा स्पेशल प्रोग्राम जो हमारे जनप्रतिनिधि के लिए भी हो और अन्य लोगों के लिए भी हो जो विशेष तौर पर चलाया जाए और उसके लिए जी सर। देखिए, हम में से हर व्यक्ति के लिए वही कार्यक्रम है जो ये सामने दिखाई दे रहा है कि जब तक हम नासमझी में होते हैं, जब तक हमारी कल्पनाशीलता का स्रोत कोई मान्यता या संवेदना होती है, तब तक हम जीव चेतना में जी रहे होते हैं, और जब जीव चेतना में जी रहे होते हैं तो हमारे आचरण में अमानवीयता होती है, हम चाहे जिस भी प्रोफेशन पे हो, जिस भी लेवल पे हो। बट हम सब में सही जीने की चाहना बनी हुई है, संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, सस्तित्व पूर्वक जीने की चाहना बनी हुई है, और हम सब में वही क्षमता है इसको समझ पाने की, जी पाने की। जो करने का काम है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, सामने एरो दिखाई दे रहा है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन हम में नहीं होता तब तक हम गलतियां कर ही रहे होते हैं, और अगर हम अपनी ओर ध्यान देंगे तो देखेंगे हम भी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। ये कि गलती की सीमा अलग अलग तरह की हो सकती है, कोई अमानवीयता कर रहा है एक छोटी सीमा में, कोई अमानवीयता कर रहा है एक बड़ी सीमा में, तो अल्टीमेटली जो करने का काम है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो जो ऊपर की क्रियाएं हैं जिसको ब्लॉक B1 के साथ इंगित किया गया है वो जागृत हो जाए। ये पोटेंशियल हर एक में है, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस हर एक में है, और सबके लिए कार्यक्रम यही है सही जीने का, ये ट्रांसफॉर्मेशन। और आप पाएंगे कि हमें भी ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, जब सामने वाले की बात को प्रस्ताव रूप लेकर उसको जांचते हैं और जी कर देखते हैं, मानने से काम नहीं चलेगा। तो एक ऐसी विधि जिससे कि हर व्यक्ति के अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाए, उसको नाम दिया शिक्षा। तो शिक्षा को सुनिश्चित करने की जरूरत है। शिक्षा का मतलब मेयरली कोई स्किल डेवलप करना नहीं, स्किल उसमें सहायक हो सकता है। तो ऐसा एजुकेशन जो हर बच्चे में ऐसा एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस इनिशिएट कर दे, फाउंडेशनल प्रोग्राम। इसके साथ फिर जो वयस्क लोग हैं उनके साथ लोक शिक्षा काम किया सकता है, जो सिस्टम्स बने हुए हैं वहाँ हर व्यक्ति के साथ स्वराज्य के लिए काम किया सकता है। बट एसेंशियली जो सेल्फ में काम होना है वो यही कि डेवलपमेंट हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। जी ठीक है संतोष जी। जी भैया, बस यही बात पूछना चाह रहे थे, और एक छोटा सा क्वेश्चन स्कूल लेवल का था, आप कहो तो मैं पूछ सकता हूँ। हाँ संक्षेप में रख लीजिएगा। जी जी, छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी स्कूल में जो फर्स्ट डे का प्रोग्राम चालू हुआ था लेकिन बच्चों को जो पुस्तक प्रोवाइड की है वो पूरी कंटेंट उसमें है, उसमें वर्कबुक नहीं है। वो वर्कबुक जो है हमको वर्कबुक पर काम कराया गया है, कंटेंट पढ़ाया गया है, बताया गया है व्यवहारिक तौर पर, तो मैं वही चाह रहा था कि बच्चों को भी वो बुक लगेगी या हमको कॉपी बनवाना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन था। बाकी कोई क्वेश्चन? वर्कबुक बन रहे हैं, जल्दी पब्लिश भी हो जाएंगे, और यदि उसका करंट स्टेटस जानना हो पब्लिकेशन का तो राजू भैया के पास अभी अपडेट होगा उसका, या कोई और साथी हो जिनके पास करंट अपडेट हो तो बता सकते हैं, पर तो जल्दी पब्लिश होकर सभी को उपलब्ध हो जाएगा। बढ़िया भैया, मैं जी एक आध कुछ भैया मोल ले सकते हैं क्या? जी हाँ, प्रश्न करिए जी। अविनाश जी, रामदयाल जी, कोई भी जिन्होंने अपना हैंड रेस किया है संक्षिप्त में अपना प्रश्न कर सकते हैं। ये बीरू जी बताइए, आप अनम्यूटेड थे पहले। सुनील दुबे जी और हिमांशी जी, आप सबके पास माइक है। अविनाश जी, अमोल जी, बढ़िया। तो मुझे लगता है आवाज पहुंच पा रही है। जी हेलो जी, अविनाश जी बताएं। जी सर,
जी सर, मैं मेरा मेरा सर क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग नाइन्थ क्लास के बच्चों को जब पहला सेशन लिया हमने, तो उनको इतने भारी भरकम जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग उनको समझ में नहीं आई, तो इसको सर अपन सिंप्लीफाई कैसे करें? क्या छोटे बच्चे सर हमारे पास हैं? जी मुझे लगता है कि इस पे या तो अलग से थोड़ी बात कर लेंगे हम लोग, अभी ये जो कंटेंट है इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, फिर ये कितने भारी है और कितने सरल है ये धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। भैया मैं बोलना चाहूंगी बीच में, अभी किताबों की बात हो रही थी और अभी जो सिलेबस से जो हमारे स्कूल में चल रहा है, इसकी भैया हर शुक्रवार को एक मीटिंग हो रही है जिस पर इन सभी प्रश्नों की चर्चा हो रही है, तो आप वहाँ पर ये प्रश्न जरूर रखें अगले शुक्रवार को। जी जी बढ़िया, अभी इस कंटेंट को थोड़ा और समझ लेते हैं फिर उनसे बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम सब स्वयं में देखते हैं तो दिखता है कि हम सब में कुछ क्या हो रही है जो कल्पनाशीलता के दायरे में। हेलो 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 श्रीलाल जी बताएं। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं ये कहना चाहता था सर कि जी नमस्ते, मैं ये कहना चाहता था कि हमारे सीएम राइज घटिया में उज्जैन पुस्तकें नहीं पहुंची है सर अभी तक। अच्छा ठीक है, इस पे बात कर लेंगे, मुझे लगता है किन्हीं को अगर पूरी जानकारी हो तो बता दें, हमें कई साथी लगता है कि एमपी से जुड़े हैं। भैया हमने भी बताया आपको कि इस पर पुस्तक और जो भी हमारे सिलेबस की जानकारी है वो हर शुक्रवार को हम यूएचपी की जो मीटिंग होती है उस पर इसकी चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा हम वहाँ पे कर ले। जी 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 धन्यवाद, थैंक यू। और इस समय में हम परिमार्जन को देखें, इस प्रकार से हमें परिमार्जन होता हुआ दिखाई देता है, तो हम अभी हो सकता है कहीं यहाँ पे जी रहे हों जिसको जीव चेतना कहा, ऐसा हो सकता है कि हमारी कोई ऐसी स्थिति रही हो जिसमें हम सिर्फ आशा के स्तर पे जागृत थे, चयन आस्वादन में जी रहे थे, संवेदनाओं को ही सुख मानकुन में लगे हुए थे, और थोड़ा विकास हुआ हमारे में ये इच्छा विचार भी जागृत हुआ आशा के साथ, और हम चित्रण तुलन विश्लेषण क्रियाएं भी कर पा रहे हैं, बट अभी ये क्रियाओं करते हुए हम परतंत्र हैं क्योंकि मान्यता या संवेदना से प्रभावित हैं ये क्रियाएं, परंतु हमें ये संभावना है, ये क्षमता है कि अगर हम ध्यान देते हैं अपने ऊपर, अपने सहस्वीकृति पर, तो जो क्रियाएं मुझमें जागृत हो सकती हैं जिससे मुझे ज्ञान सुनिश्चित होता है वो सतत रूप से जागृत होने लगे और मुझे वास्तविकता जैसी है वैसा दिखाई देने लगे, संबंध जैसा है वैसा दिखाई देने लगे, व्यवस्था जैसी वैसा दिखाई देने लगे, तो इसको मैं कहूंगा कि विकास हो रहा है मेरा, क्योंकि जैसे जैसे ये क्रियाएं जागृत होती हैं मेरे अंदर सुख की स्थिति बन पाती है, एक आश्वस्ति का भाव बन पाता है, इसमें आचरण में एक निश्चितता हो पाती है, मेरी स्थिति की निरंतरता हो पाती है, और यही एक विकास है जो प्रकृति में घटित हो रहा है, हम सभी इस प्रक्रिया में हैं, इसको स्वयं में देखने की बात है, तो हम देख पाते हैं कि ये क्षमता मुझ में है कि नहीं, एक तो ये जांचने का मुद्दा है, और दूसरा मेरे विकास का भी यही कार्यक्रम है या नहीं। तो जब हम प्रस्तावों को अपने आप में जांचते हैं, उसको जीकर देखते हैं, तो हमें संबंध जैसा वैसा स्पष्ट होता है, व्यवस्था जैसी वैसे स्पष्ट होती है, और सहस्तित्व जैसा वैसा दिखाई देता है, तो ये अगर हम अपने विकास के स्थिति को देखें, कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कैसे हमारे परिमार्जन हो रहा है, कुछ ऐसा दिखाई देगा, कभी हम इच्छा विचार आशा में जी रहे हैं, इच्छा में भी अगर हम देखें तो प्राइमरली चित्रण में जी रहे हैं, और जब मैं भावों पर ध्यान देता हूँ, जब मैं प्रस्ताव का अध्ययन करता हूँ, जब मैं अपने आप से पूछ के देखता हूँ, अपने सहस्वीकृति के आधार पर जांचता हूँ, तो मुझे चिंतन की क्रिया क्रमशः जागृत होती है, जैसे मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं सुखी होना चाहता हूँ कि नहीं, पर मिलता है हाँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं, तो थोड़े विचार के साथ कहते हैं कि हाँ, विचार के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी उस पर थोड़ी शंका हो सकती है, क्या मैं दूसरे को सुखी ही करना चाहता हूँ या सुखी भी करना चाहता हूँ, या किसी एक को करना चाहता हूँ, अनेक को करना चाहता हूँ, या हर एक को करना चाहता हूँ। अब यहाँ क्या हो रहा है, मेरे अंदर ये चिंतन की संभावना है,
वो जागृत हो रही है। अब मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं, ना? इस क्षण, अगले क्षण, हर क्षण, इस व्यक्ति को, अगले व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, ऐसा है कि नहीं, तो उसमें हम थोड़ा विश्लेषण भी करते हैं, विचार भी करते हैं, ना? अपने आप में जो भी चला है मेरे लाइफ में उसको भी देखते हैं, कल्पनाशीलता फैलाते हैं, इसको जांचते भी हैं। तो चिंतन की क्रिया ऐसे ही हमारे में धीरे धीरे सतर्क रूप से जागृत होती है, और जितना जितना ये मुझे भाव स्पष्ट होता है उतना उतना मुझे अगली वास्तविकता भी स्पष्ट होती है कि जब मैं कह रहा हूँ कि मैं दूसरे को सुखी करना चाह रहा हूँ, दूसरा है क्या, मैं हूँ क्या, मैं शरीर हूँ या शरीर से कुछ भिन्न हूँ, दूसरा शरीर है, शरीर से भिन्न है। फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ और पूछता हूँ अपने आप से कि दूसरा सुखी होना चाहता है कि नहीं, उस पर मिलता है हाँ वो भी सुखी होना चाहता है, जितना अभी तक निर्वाह किया उसे तो यही लगता है, पूछ भी सकते हैं दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है कि नहीं, इस पर शंका हो जाती है। क्योंकि तो बहुत सारे जो हमारे अंदर भाव विचार चल रहे हैं, जो असमंजस है, उलझन है, वो तो दूसरे की चाहना को शंका करने के कारण ही है, तो उसमें हमको समय लगता है। परंतु ऐसा हो सकता है कि जांचते हुए, जीकर देखते हुए हमें किसी क्षण में बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए कि नहीं, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, ठीक ठीक दिख जाए, तो उस क्षण मेरे अंदर ये विश्वास का भाव जागृत हुआ। तो क्या हो रहा है इस क्रम में, मेरे अंदर संबंध की स्पष्टता बन रही है, उसी को दूसरे शब्दों में कहें तो स्वभाव, स्वभाव का मतलब स्वयं में स्वीकृत भाव, इसकी स्पष्टता बन रही है। उसी को और किसी ढंग से कहा जाए तो अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी की स्पष्टता बन रही है, पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर। तो दूसरा मुझसे एक लार्जर ऑर्डर है, जब मैं हूं तो एक इंडिविजुअल ग्रुप में हूं, दूसरे को जोड़ लिया तो एक लार्जर ऑर्डर बन गया, दूसरा के साथ साथ मैंने कई लोगों को जोड़ लिया, पूरे परिवार को जोड़ लिया, परिवार के साथ परिवार से जो बड़ा समूह उसको जोड़ लिया, तो ये धीरे धीरे लार्जर ऑर्डर्स में बात हो रही है। अब मुझे अपनी भागीदारी में स्पष्ट हो रही है, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, ये इकाई की अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी स्पष्ट हो रही है। तो चिंतन की वस्तु के रूप में देखें तो भागीदारी है, उसी को संबंध कहें, उसी को स्वभाव कहें, ये हमें स्पष्ट होता है कि किसी एक क्षण में बैठे बैठे पूरे का पूरा स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको ही जागृत करने के टर्म्स में हमें समय लग रहा है, हम अपने आप में जांच परख कर रहे हैं, जी कर देख रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं उसके साथ रिलेट करके देखते हैं कि क्या यही बात है, अगर यही बात है तो दूसरा व्यक्ति फिर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है मेरे साथ, या मेरे साथ ऐसा नाराज क्यों है, क्रोध क्यों कर रहा है, कोई जघन्य अपराध समाज में क्यों कर रहा है, जिसको लेकर बहुत सारी शिकायतें हमारे अंदर बनती रहती हैं, इनमें हमको समय लगता है। परंतु इस पूरे क्रम में आप देखिए तो हमारी कल्पनाशीलता नियोजित हो रही है ज्ञान के ऊपर, जो बाहर बाहर की घटनाओं में फैली हुई थी वहां से अब समेट कर हम उसको स्वयं में मूल वस्तु की ओर देखने की ओर आरोपित कर रहे हैं। तो चिंतन की क्रिया सतत रूप से जागृत हो रही है, और जितना ज्यादा चिंतन क्रिया सतत रूप से जागृत हो पा रही है उससे जुड़ा हुआ जो इकाई का होना है वो स्पष्ट हो रहा है। तो इस क्रम में फिर चिंतन, और चिंतन से फिर संकल्प की ओर जाते हैं, संकल्प से फिर बोध की ओर जाते हैं, क्योंकि जब भी उसको भागीदारी को देखते हैं तो उसे जीने के कार्यक्रम पे भी स्पष्टता बनती है, फिर उससे इकाई की स्वयं व्यवस्था की भी स्पष्टता बनती है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारी एक स्थिति बनती है जब हम इस पूरे व्यवस्था के आधार को देखने का प्रयास करते हैं, तो बोध में व्यवस्था किस प्रकार से बनती है, तो हम प्रकृति को जब ध्यान देते हैं तो प्रकृति में कुछ इकाइयां दिखाई देती हैं, और इकाइयां कुछ अवस्थाओं में व्यवस्थित रूप से दिखाई देती हैं, कुछ पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, ज्ञान अवस्था है, पिछले सत्रों में जो हमने चर्चा की थी, तो ये अवस्थाओं की हमको स्पष्टता बनती है। उन अवस्थाओं को समझते हुए हमारे अंदर बोध की क्रिया जागृत हो रही होती है, तो उसको किसी इकाई की स्वयं व्यवस्था कहें या धारणा कहें या धर्म कहें, ऐसा हमें दिखाई देने लगता है। अब इस चीज को देखते हुए चिंतन, संकल्प, बोध है ना, देखते हुए हमें इसके अंदर ये प्रश्न बनता रहता है कि इसका आधार क्या है, कि कैसे पूरी प्रकृति व्यवस्था में है, कैसे हर इकाई का स्वभाव निश्चित है, कैसे हर इकाई की स्वयं में धारणा निश्चित है, कैसे प्रकृति में एक निश्चित अनुसंगीता बनी हुई है, कैसे हर इकाई क्रियाशील है, ऊर्जित है, ये सब हो कैसे रहा है, ये सहज रूप से हमारे अंदर एक प्रश्न बनता जाता है, और उसको हम फिर जीने से जोड़कर देखते हैं, तो बोध से प्रमाण की ओर, फिर प्रमाण से हम अनुभव की ओर जा रहे होते हैं। और किसी पॉइंट पे हमारे अंदर अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि मैं इस पूरी व्यवस्था के आधार को, संबंध के आधार को देख पाता हूं, तो उसको नाम दिया अनुभव। उस क्षण मुझे दिखता है कि शून्य है जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह फैला हुआ है, और उसी में सारी इकाइयां बनी हुई है, और बनी रहते हुए हर इकाई ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, वही फिर
फैल कर देखें तो इकाई की स्वयं में व्यवस्था के रूप में, स्वभाव के रूप में दिखाई दे रहा है, और उसी के आधार पर दिखता है कि ये इतने सारा रूप उनके साथ इकाइयों का निर्वाह हो रहा है। तो एक बार ये घटना हमारे अंदर घटित हो जाए, ये क्रिया हमारे अंदर जागृत हो जाए, अनुभव क्रिया, तो मेरे ज्ञान की पूर्णता हो। अभी जो ज्ञान आंशिक रूप से हो रहा था, अभी हम कहां से शुरू किए, तो हो सकता है कि हम ज्यादातर समय चयन आसाधन पी जी रहे थे, उससे आगे बढ़कर हम विचार में ज्यादा एक्टिव हुए, उससे आगे बढ़कर हम फिर इच्छा में ज्यादा एक्टिव हुए, भाव पे ध्यान गया, भाव सजगता बनी, भाव स्पष्ट हुए, भाव की स्पष्टता से काय की व्यवस्था स्पष्ट हुई, करते करते हम ऐसी स्थिति में पहुंच पाए जहां हमें अनुभव हुआ और हमें पूरा अस्तित्व संस्थिति रूप में दिखाई दिया। जब मैं ऐसा देखता हूं तो मैं अस्तित्व समग्र के साथ अपने को जुड़ा हुआ देख पाता हूं, मैं शून्य में अपने आप को संप्रित पाता हूं और शून्य के माध्यम से पूरे अस्तित्व के साथ अपने जुड़ाव को देख पाता हूं। ये मेरे में ज्ञान की पूर्णता हुई। जो आज उन्होंने वस्तु के रूप में रखा है कि अनुभव संस्कृति के अनुभव के साथ ज्ञान की पूर्णता, तो यही वो बात हुई कि मुझ में संस्कृति का अनुभव हुआ जिससे ज्ञान की पूर्णता, उससे पहले अपूर्ण था। जी किशन जी, नमस्ते भैया। भैया ये जो सामने जो दिया हुआ है उसमें एक क्वेश्चन बना था, क्योंकि शायद मैं गलत समझ रहा था, कंटेम्पलेशन के बाद मैं समझ रहा था कि अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग की जो डायनेमिक एक्टिविटी वो डिटर्मिनेशन है, लेकिन इसमें चिंतन से एरो संकल्प की तरफ जा रहा है और फिर बोध की तरफ आ रहा है, बोध से ऑथेंटिकेशन और फिर रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो भैया थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, आप क्लियर करेंगे भैया? जी, तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, तो बोध को जागृत करने में ये जो गति क्रिया है संकल्प, उसकी भी भागीदारी है। तो जितना जितना मुझे भाव स्पष्ट होता है, उस भाव के साथ जीने के बारे में स्पष्टता बनती है, और जब जीने के बारे में स्पष्टता बनती है तो शिकाय के होने के बारे में स्पष्टता बनती है। तो भाव स्पष्ट होता है, उस भाव के साथ जीने के बारे में स्पष्टता बनती है, और जब जीने के बारे में स्पष्टता बनती है तो शिकाय के होने के बारे में स्पष्टता बनती है। इस क्रम में दिखाई देता है। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इस प्रकार से जा रहे हैं। जब अनुभव हो गया, जब, जी भैया, और मैं भी जब देखता हूं तो मुझे भी यही दिखाई देता है, जितना कंटेम्पलेशन गहराई से होता है, दिखता है, तो डिटर्मिनेशन आता है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करता है और आगे की यात्रा को बढ़ाता है। हाँ, उसको अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी हमारे अंदर चिंतन हो रहा है या फिर मैं विचार में ही कोई निर्णय ले रहा हूँ, ये दोनों अलग बातें हैं। जी, जब चिंतन होता है तो सहज रूप से मेरे अंदर संकल्प होता है कि इस प्रकार से जीना है, फिर उस इकाई की व्यवस्था के बारे में मुझे और स्पष्टता बनती है। तो ये एक प्रकार की बात हुई, बट अभी हम अपने आप में जो निर्णय ले रहे हैं, तो हो सकता है अभी चिंतन की क्रिया के आधार पर नहीं ले रहे हैं, अपने आप में कोई भाव की स्पष्टता बनी उससे निर्णय ले रहे हैं। बट हाँ, भाव की स्पष्टता के साथ ही निर्णय तो होगा, चाहे वो ब्लॉक B1 में हो या ब्लॉक B2 में हो। भाव की स्पष्टता चिंतन के स्तर पर हुआ है या नीचे ब्लॉक B2 में हुआ है, ये देखने की बात है। या अगर जीवन में हम जब जीने में देख रहे हैं कि अगर हमारी प्रायोरिटी और हमारा सब कुछ अब अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन के लिए लग रहा है, तो इसका इसके इससे हम ये कर सकते हैं कि कंटेम्पलेशन एक्टिवेट हुआ है और इसलिए संकल्प बन पा रहा है, हम पूरा समय हमारा तन मन धन पूरा उसमें लगा पा रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि चिंतन का मतलब हुआ कि भाव स्पष्ट हो गया, उसकी निरंतरता बन गई। कई बार हम बहुत सारे निर्णय तो लेते हैं, और उस निर्णय के साथ हो सकता है हमारे अंदर अभी भी कुछ शंका शेष है, जिसका हमें अभी एक्सपोजर भी नहीं है। तो भैया चिंतन की क्रिया कभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये कह सकते हैं चिंतन जागरण शुरू हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, अगर निरंतरता नहीं है तो। हाँ, ये भी देख लें कि चिंतन में अगर कोई भी क्रिया यानी कोई भाव अगर स्पष्ट हुआ है, उसकी निरंतरता होगी, तो हम अपने आप जांच के देख सकते हैं कि कोई ऐसा भाव है जिसकी निरंतरता हो गई। ऐसा भाव जो मुझे सहज रूप से स्वीकार है, उसकी निरंतरता हो गई, ऐसा कोई भाव है मुझमें, ये हम जरूर देख सकते हैं अपने आप में। अगर है तो चिंतन हुआ है, नहीं है तो शेष है। ये जैसे अगर इंटेंशन पर डाउट नहीं जाता है, तो इसका मतलब कंटेम्पलेशन का पार्ट जागृत हुआ है।
और जाता है तो वहां अभी और देखने की जरूरत है। हाँ, अगर इंटेंशन पे कभी कोई डाउट नहीं होता है ना, कभी किसी के प्रति इरिटेशन एंगर नहीं आता, कभी अपोजिशन की फीलिंग नहीं बनती, निश्चित रूप से हुआ है। बट यदि बन पा रही है ना, भले सामयिक रूप से क्षणिक रूप से इंटेंसिटी कम हो गई है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फिर भी चिंतन की क्रिया जागृत नहीं हुई है, उसके लिए एक तैयारी हुई है, अभी भाव दिखना बाकी है। बात स्पष्ट हुई भैया? स्पष्ट हुआ है, थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, इस प्रकार से है ना, ब्लॉक बी टू से ब्लॉक बी वन में संक्रमण हो रहा है और अनुभव में जाकर ज्ञान की पूर्णता हो रही है। एक बार अनुभव की स्थिति में स्थापित हुए, क्रिया हमारे अंदर जागृत हुई, तो पूरे अस्तित्व की स्पष्टता हुई। ये हम देख लें कुछ ही कि ये क्रम हमें अपने आप में भी दिखाई दे रहा है, कम से कम ब्लॉक बी टू में तो हम देखें कि हमें अपने आप में क्रम दिखाई दे रहा है, इस तरह से हम ऊपर की ओर गति कर पा रहे हैं। तो अनुभव में अस्तित्व अस्तित्व रूप में स्पष्ट होता है, बोध में व्यवस्था स्पष्ट होती है, चिंतन में संबंध स्पष्ट होता है। अगर ब्लॉक बी टू में देखें तो अभी जो हमारी स्थिति होती है उसमें हम काई का इकाई पे जो प्रभाव है उसको आंशिक रूप से देख पा रहे होते हैं, और चयन आस्वादन में देखें तो आंशिक रूप से हम प्रभाव भी देख पा रहे होते हैं और ज्यादातर देखें तो रूप वाले भाग को देख पा रहे होते हैं। तो अभी हम कहाँ एक्टिव है देखने की बात है, ब्लॉक बी वन में एक्टिव है या ब्लॉक बी टू में एक्टिव है? नतिका जी, तो जैसा हमारी अभी स्थिति है विकास की, वैसा ही हमारा आचरण है व्यवहार में, कार्य में, भागीदारी में। तो देखने की बात है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं क्रम में, अभी हम कहाँ खड़े हैं, हमारा जीना अभी किस स्तर पर है। अभी हम आशा के स्तर पे जी रहे हैं, विचार के स्तर पे जी रहे हैं, या इच्छा के स्तर पे जी रहे हैं, या और आगे की स्थिति बन पा रही है। कई बार अपने आप में पहचानने की जरूरत बनती है, जैसा प्रश्न आ रहा था कि अभी मैं कह पाऊंगा क्या कि मुझ में चिंतन की क्रिया हुई है। तो अगर मुझ में चिंतन में कोई भाव स्पष्ट हुआ तो इसकी निरंतरता होगी, और उसका जो विपरीत कोई भाव हुआ वो नहीं होगा। तो अगर मेरे अंदर विश्वास का भाव है तो शंका नहीं होगी। अगर शंका हो जा रही है किसी के चाहने पे अभी भी, इसका मतलब भी चिंतन में वो क्रिया वो भाव स्पष्ट नहीं हुआ है। अगर अभी संबंध हर एक के साथ नहीं दिखाई दे रहा, किसी के साथ संबंध के साथ विरोध लग रहा है, तो संबंध का भाव भी स्पष्ट नहीं हुआ है। अगर अपने होने पे आश्वस्ति नहीं हो पा रही है कि मैं निरंतर बनी रहने वाली इकाई हूँ शरीर से भिन्न, तो स्वयं का भी बोध नहीं हुआ है, शरीर और स्वयं का संबंध भी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये सब कुछ इंडिकेटर्स हैं जहां से हमको ये बात दिखती है कि अभी हमारे विकास की स्थिति क्या है। तो चिंतन में संबंध की स्पष्टता होती है, स्वभाव की स्पष्टता होती है, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी की स्पष्टता, और स्पष्टता का मतलब सब विचार होना नहीं, दिख जाना एज ए ट्रू प्योर ऑब्जर्वर, दिख जाना एक शुद्ध दृष्टा के रूप में, मैं देख पाता हूँ कि हाँ ऐसा ही है। अब भी का प्रश्न नहीं रहा कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मुझे दिखता है कि संबंध ऐसा ही है, दूसरी इकाई के साथ मेरा जो भागीदारी है वो ऐसा ही है। वैसी बोध में इकाई की स्वयं में व्यवस्था स्पष्ट होती है, उसमें जाके हमें दिखता है कि मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, प्रकृति की दूसरी इकाइयाँ क्या है, जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, पदार्थ क्या है, प्राण क्या है, पदार्थ का धर्म क्या है, प्राण का धर्म क्या है, अनावस्था इकाइयों का धर्म क्या है, पशु पक्षियों का धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, यानी मेरी स्वयं व्यवस्था क्या है, पशु पक्षियों की स्वयं व्यवस्था क्या है, की हवा पानी पेड़ पौधे इन सब की स्वयं व्यवस्था क्या है, ये मुझे दिखाई देता है। और जब मैं अनुभव की स्थिति में होता हूँ, यहाँ से नीचे से ऊपर गति करते हुए, तो मुझे दिखता है कि पूरी प्रकृति किस प्रकार शून्य बने रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। इस क्रम में हमारा स्वयं का विकास हो रहा है, जितना जितना विकास होता है, ये जो रेड एरो है वो उसके आधार पर मेरे नीचे की क्रियाओं में व्यवस्था बनती है, लय बनता है, संगीत बनता है, उतना उतना मेरा सुख बढ़ता है जीने में। तो एक बार अनुभव की स्थिति में पहुंच गए, फिर वहां से ये क्रम दिखाई देता है। तो आप एरोज को देखेंगे तो आप उल्टी दिशा में, तो हम नीचे से जब ऊपर की ओर जा रहे थे तो इस क्रम में थे, अब जब अनुभव के साथ देखता हूँ तो ऐसा दिखाई देता है। तो अनुभव की स्थिति में मैं तो अपने आप को शून्य में संपृक्त देखता हूँ, जो रेड एरो है ऊपर की ओर, और इस संपृक्तता के साथ अस्तित्व समग्र के साथ अपने जुड़ाव को देख पाता हूँ।
इसका ही प्रमाण मुझे मिलता है। तो जो अभी मुझे आंशिक रूप से ज्ञान हो रहा था, इस पूर्णता के साथ वो नीचे की हर क्रियाएं इसके आधार पर पूर्ण होती हैं, उसका प्रमाण मिलता है। अगर मुझे शास्त्रित्व स्पष्ट हो गया, संपृक्तता दिख गई, तो उसका प्रमाण मुझे मिलता है कि जो मुझे व्यवस्था आंशिक रूप से स्पष्ट हो रही थी उसमें अब पूर्णता आ गई। अब मुझे हर इकाई की स्वयं व्यवस्था पूर्णतया स्पष्ट हो गई। जब ऐसा स्पष्ट हुआ तो उसके साथ जीना कैसे है यह स्पष्ट हुआ, यानी संकल्प पूरा हुआ। तो जो मुझे भाव इकाई इकाई के साथ दिख रहे थे, अब उसका आधार मिल गया अनुभव के साथ। ये संबंध क्या है? तो हर इकाई शून्य बने रहते हुए दूसरी इकाइयों से जुड़ी हुई है, परस्परता को पहचाने, निर्वाह कर रही है। उसी अर्थ में सारा संबंध दिखाई दे रहा है। मूल में तो वो संपृक्तता है, उसके साथ मेरे अंदर चिंतन की क्रिया पूरी हुई, तो उससे जो चित्रण है अब वो पूरा हुआ कि निरंतर सुखपूर्वक जीने का क्रम क्या होगा। जो मैं पहले सुख के बारे में मान्यताएं बनाकर उसके आधार पर जीने का प्रयास कर रहा था, अब मुझे निरंतर सुखपूर्वक जीने का आधार दिखाई दिया। तो जो भी मेरे अंदर अब चित्रण होता है परस्परता के लिए, स्वयं के लिए, व्यवस्था के लिए, वो इसी आधार पर होता है। तो जो अब मैं तुलन करता हूँ, तो तुलन अब मेरे अंदर पूर्णता के अर्थ में हो पाता है। तो मेरे अंदर तुलन की कुछ दृष्टियां बनी हुई हैं। जब मैं पहले तुलन करता था तो प्रिय हित लाभ इस क्रम में किया करता था। प्रिय मतलब शरीर को अनुकूल संवेदना मिल जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। हित का मतलब शरीर को कुछ संरक्षण मिल जाए, शरीर का अधिक से अधिक पोषण हो जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। या सुविधा की बात करें तो दूसरे से लेन देन में अधिक से अधिक मुझे लाभ मिल जाए, फायदा मिल जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। पहले मैं ऐसा सोचता था और इसलिए अनियंत्रित था, इसलिए बहुत सारे इसको लेकर जीने में भगदड़ थी। अब नियंत्रित हो गए अनुभव बोध चिंतन के साथ, ये तुलन की दृष्टियां हैं नियंत्रित हो गई। अब प्रिय की जो दृष्टि नियंत्रित होती है, तो जो संवेदना आ रही है शरीर से उसका मैं सदुपयोग करता हूँ, शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में, सुविधाओं के प्रयोग के अर्थ में उसका सदुपयोग कैसे हो। जो हित की दृष्टि थी अब वो नियंत्रित हो गई, उसका मैं सदुपयोग करता हूँ शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में। जो लाभ की दृष्टि थी वो नियंत्रित हो गई, अब मैं उसका प्रयोग करता हूँ ताकि एक दूसरे की आवश्यकता पूरी हो पाए, उभय समृद्धि के अर्थ में। जब ऐसा होता है तो जो भी मैं विश्लेषण करता हूँ उसमें एक निश्चितता होती है। इस निश्चितता के साथ मुझे हर क्षण अपने आप में सुख की स्थिति दिखाई देती है। जहां मैं पहले संवेदनाओं से प्रभावित हो जाता था सुख के अर्थ में, अब ये अनुभव की क्रिया की जागृति के साथ मुझे लक्ष्य स्पष्ट है, मूल्य स्पष्ट है, और मैं उसके साथ अपने अंदर हर क्षण सुख का आस्वादन कर पाता हूँ। तो मेरा जो भी चयन होता है निर्वाह के लिए इसी क्रम में होता है, इस भाव के साथ। पहले मैं सुखी होने के लिए चयन करता था, बाहर भागता था सुखी होने के लिए। अब स्थिति में आकर मुझे स्वयं में सुख मिल रहा है। अब जो मैं बाहर निर्वाह करता हूँ सुख पूर्वक करता हूँ, सुखी होने के लिए नहीं, सुखी होकर करता हूँ। ये एक मेजर शिफ्ट है। ये भी अपने आप में जांचने परखने का मुद्दा है कि अभी हम जो अपने आप में काम कर रहे हैं वो सुखी होकर कर रहे हैं या सुखी होने के लिए कर रहे हैं। सुखी होने के लिए कर रहे हैं तो जितने भी मात्रा में सुखी होने के लिए कर रहे हैं उतने में तो मैं परतंत्र हूं। परतंत्रता बनी ही रहती है हमारे अंदर जब तक कि अनुभव की स्थिति में जागृत न हो जाए। तो अभी हम सकता सुखी होने के लिए बहुत सारा निर्णय ले रहे हैं, सुखी होने के लिए बहुत सारा चयन कर रहे हैं। जब अनुभव मेरे अंदर जागृत होता है तो मैं सुखी बना ही रहता हूँ, उसके साथ मैं चयन करता हूँ। मेरे आचरण में दया कृपा करुणा ऐसा आचरण के रूप में दिखाई देता है। तो दूसरे मनुष्य के साथ हो, शेष प्रकृति के साथ हो, बड़ी व्यवस्था में हो, उसी आधार पर मैं भागीदारी करता हूँ। तो जब मैं मनुष्य के साथ इस पूरे ज्ञान के साथ व्यवहार करता हूँ तो मेरी भागीदारी हर क्षण दूसरे के सुख के अर्थ में होता है, करुणा के भाव के साथ होता है। मेरी भागीदारी शेष प्रकृति के साथ हर क्षण उभय समृद्धि के अर्थ में होती है, करुणा के भाव के साथ। मेरी भागीदारी हर क्षण मानव लक्ष्य पूर्ति के अर्थ में होती है ताकि सार्वभौम व्यवस्था में मेरी भागीदारी से। ऐसे जो मैं संबंध का मानव के साथ निर्वाह कर रहा हूँ अखंड समाज के अर्थ में होता है। और मुझे दिखता है कि यही मानवीय परंपरा का आधार है, तो मैं हर क्षण मानवीय परंपरा में भागीदार रहता हूँ। एक छोर पर मैं अपने आप में अनुभव में स्थापित हुआ, दूसरे छोर पर फैल कर मैं जो जी रहा हूँ प्रमाणित होता है सार्वभौम व्यवस्था के रूप में, मानवीय परंपरा के रूप में। यही विकास है मेरा, है ना। अल्टीमेटली देखें तो हम सबका यही कार्यक्रम है। इसको हम जितना अपने आप में देख पाते हैं उतना इसके लिए निष्ठापूर्वक लग पाते हैं, उतना निष्ठापूर्वक अपने लिए योजना कार्यक्रम बना पाते हैं। इसको नहीं देख पाते हैं तो अनेत्र लगे रहते हैं, अनेत्र समय हमारा लग रहता है।
यही मुझे स्वयं स्थिति के रूप में देखें तो आशा में मुझे सुख की स्थिति दिखाई देती है जब लक्ष्य और मूल्य के साथ मैं संवेदनाओं का आस्वादन करता हूँ और उसका सदुपयोग करता हूँ। वैसे ही जब मेरे अंदर न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जागृत होती है मेरे विचारों में शांति होती है। अब इसमें उलझन भगदड़ परेशानी अंतर विरोध अंतर्द्वंद इन सबसे मैं मुक्त हो पाता हूँ। जब मुझे भाव स्पष्ट होते हैं तो मेरी इच्छाओं में सुख की स्थिति दिखाई देती है संतोष की स्थिति दिखाई देती है मेरी इच्छाएं निश्चित हो गई। वैसे ही बोध और संकल्प के अवसर पर आनंद की स्थिति बनती है और जिस क्षण में मुझे अनुभव होता है उस क्षण मुझे परमानंद की स्थिति बनती है। और पूरी परंपरा को देखें तो इसी को लक्ष्य के रूप में रखा गया है कि हम परमानंद की स्थिति में आनंद की स्थिति में संतोष की स्थिति में शांति की स्थिति में सुख की स्थिति में जी पाए। उसी क्रम में देखें तो कई सारे फॉर्मुलेशन आए कई प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ बट वांछित स्थिति तो यही है कि पूरा अस्तित्व जैसा है वैसा मुझे दिखाई दे जाए और मेरा आचरण मानवीय परंपरा के अर्थ में। ये बात हम सबको स्पष्ट है, इस पे कोई प्रश्न हो तो बताएं, अपनी बात को लेकर कोई प्रश्न हो तो बताएं। सारे शब्द स्पष्ट है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते। जी भैया नमस्ते, आवाज आ रही है भैया? जी आ रही है। भैया केवल यहाँ पे ये पूरा चार्ट समझ में तो आया है, इसी पे कार्य कर रहे हैं। यह संवेदनाओं के सदुपयोग को लेकर के थोड़ा सा और हम क्लियर होना चाह रहे थे क्योंकि यहीं पे थोड़ी सी बाधा है। और दूसरा ये जो सुख शांति आनंद और परमानंद, इसकी जो अनुभव के आधार पर जो परमानंद की स्थिति या सहस्तित्व को लास्ट स्टेज पे है, कंप्लीट कहें तो, हाँ कंप्लीट मतलब जो परमानंद की जो अवस्था जो अनुभव के आधार पे है उसको थोड़ा सा हम अपने आप में बहुत स्पष्टली कैसे जज कर पाए या आनंद की अवस्था में है वो स्पष्टली कैसे अपने अंदर चेक कर पाए, ये थोड़ा सा चाह रहे थे कि क्लियर हो जाए। अभी अगले स्लाइड पे आएंगे तो और ठीक से स्पष्ट होगा, अभी मैं आता हूँ उस पे, है ना। तो अनुभव में क्या दिखाई देता है उस पे मैं बात करता हूँ। किशन जी भैया अगर समय की सीमा हो तो बाद में पूछ लूंगा आपसे, बाकी क्वेश्चन मेरा था भैया प्रिय लाभ न्याय धर्म ये चार दृष्टि तो मेरे को स्पष्ट हो रही है, एक हित के ऊपर थोड़ा और आप स्पष्ट कर सके और सत्य पर थोड़ा सा और स्पष्ट कर सके कि उनके वाला आप हित पे कर दें भैया तो भी चल जाएगा। हित का मतलब है शरीर के पोषण संरक्षण की दृष्टि, तो मुझे लगता है कि जितना ज्यादा खा लूंगा उतना स्वस्थ हो जाऊंगा उतना ज्यादा दिन जीऊंगा और उसी में मैं अपने आप को सुखी मानता हूँ। शरीर खूब हृष्ट पुष्ट हो जाए खूब बलवान हो जाए, पोषण संरक्षण की दृष्टि, पोषण संरक्षण के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो वो तो ठीक है भैया शरीर के पोषण संरक्षण के लिए। हाँ बट वही पोषण संरक्षण की अगर मैं सुविधा की सीमा नहीं देख पा रहा हूँ अनियंत्रित हो जाता है फिर वो, तो मैं दूसरों के साथ अन्याय करके दूसरों का शोषण करके अपने शरीर में शरीर के लिए ढेर सारी पोषण की सुविधाएं जुटा रहा हूँ और अपने आप को शरीर मान के जी रहा हूँ। शरीर के हित में जो पोषण संरक्षण है वहां तक तो ठीक है भैया वो तो, हाँ तो इसीलिए उसको फिर स्वास्थ्य कहेंगे। तो जब हमारे अंदर संबंध की स्पष्टता होती है व्यवस्था की स्पष्टता होती है तो फिर मैं स्वास्थ्य के लिए एक्टिव होता हूँ न कि मेयरली पोषण संरक्षण। पोषण कार्यक्रम अपने आप में ठीक है बट अनियंत्रित हो जाता है अगर मुझे उसका लक्ष्य स्पष्ट ना हो। तो अगर मैं अपने आपको शरीर मान के जीऊँ तो अपने हित के लिए कितना संग्रह करना है तय नहीं होता। अभी देखिए तो लोग कितना सारा समय अपने शरीर के रंग रोहन में जिम में है ना या खाने पीने की वस्तुओं में कितना सारा सुविधा समय लगा रहे हैं, उसके लिए न संबंध का ध्यान है न व्यवस्था का ध्यान है कर ही रहे हैं। तो अभी हम भोजन भी ले रहे हैं तो एक तरीका हो सकता है कि स्वाद के लिए खा रहे हैं
एक हो सकता है कि अधिक से अधिक खा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक दिन जी जाए, है ना, बहुत सारा शोध कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक दिन जी जाए, जीने का प्रयोजन स्पष्ट नहीं है और हर क्षण भय लगा हुआ है कि शरीर गया तो मैं गया। तो शरीर के हित के लिए तो कर रहे हैं बट सुख की स्थिति नहीं है, शांति की स्थिति नहीं है, सुविधा की सीमा स्पष्ट नहीं है। और अधिक से अधिक कर रहे हैं उसमें कई जगह शोषण भी हो जाता है तो वो ठीक नहीं है फिर। हाँ, और कितना करना है स्पष्ट नहीं, सुविधा की आवश्यकता है तो स्पष्ट नहीं है। तो जैसे मुझे लगता है गर्मी है तो अपने शरीर को खूब बचा के रखना है, ठीक है ना। अब उसको थोड़ा उदाहरण से देखें तो मुझे हर क्षण एसी में बैठे रहना है, घर का कोई काम नहीं करना है, ठीक, हर काम दूसरे को बता देना है। एसी से भले ही पूरा वातावरण नुकसान पहुंच जाए बट खूब एसी चलाकर अपने आप को बचा के रखना है। तो संबंध में भी अन्याय कर रहे हैं कि घर की भागीदारी खुद नहीं पूरी कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी है, खुद एसी में बैठे हुए हैं बाकी सबको काम बता रहे हैं। प्रकृति का भी दोहन कर रहे हैं कि अपने शरीर के पोषण संरक्षण के लिए, अपने शरीर के एसी के उदाहरण देखते हैं, संरक्षण के लिए हम पूरी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। ऐसे पोषण की बात करें तो घर में जो भोजन है वो मुझे मिल जाए, सारा मिल जाए, ढेर सारा मिल जाए, अगले को मिले ना मिले। अच्छा है तो मुझे ज्यादा मिल जाए, ऐसा जो अच्छा है तो ज्यादा मिल जाए, मेरा शरीर बचा रहे, बाकी सबका शरीर बचे, मेरा शरीर बचा रहे। यहाँ इस कंटेंट में हित का प्रयोग थोड़ा इस तरह से हुआ, अदरवाइज हित एक पॉजिटिव वर्ड की तरह भी यूज किया गया, इसलिए कंफ्यूजन था भैया, बाकी अब ठीक है, अब स्पष्ट हुआ मेरे को। वही तो हित का सार्थक अर्थ तो स्वास्थ्य है, तो हित की दृष्टि जब परिणत होती है स्वास्थ्य के अर्थ में होती है, तो स्वास्थ्य तक ठीक है बट स्वास्थ्य की दृष्टि नहीं है, है ना, शरीर के पोषण संरक्षण से ही सुखी होने की दृष्टि है, शरीर को साधन के रूप में नहीं देख पा रहे, तो फिर हम अशांत होते हैं, फिर हम फंसते हैं, उलझते हैं। वैसे ही जहाँ दो कपड़ों से भी ठंड जा सकती है, ना, अपने ऊपर चार कपड़े लपेटे हुए ठंड में, मेरी मुझे अपना हाथ पांव रजाई से बाहर ना निकालना पड़े, भले ही दूसरा व्यक्ति ठंड में गल जाए, है ना, ये सब जो दृष्टियां हैं, तो क्या इसमें अन्याय साथ में जुड़ा हुआ है कि हम ना तो संबंध को देख पा रहे हैं, ना शरीर को साधन के रूप में देख पा रहे हैं और सुविधा को भोग कर सुखी होने में लगे हुए। जी स्पष्ट हुआ है बिल्कुल, थैंक यू भैया। बढ़िया बढ़िया भैया। मधु शर्मा जी, भैया सत्य की दृष्टि तो यही है ना, जो जैसा है वास्तविकता को वैसा का वैसा देख पाना, सत्य मतलब संपृक्तता को देख पाना, संपृक्तता को देख पाना। बढ़िया, तो अस्तित्व तो मुझे सहस्तित्व के रूप में दिखाई देता है, अनुभव में जाकर मुझे दिखता है कि अस्तित्व तो सहस्तित्व है, व्यापक है, जो हर जगह व्याप्त है, असीम है, पारदर्शी है, पारगामी है, और उसमें सारी इकाइयां बनी हुई हैं। इकाइयां शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचान रही हैं, निर्वाह कर रही हैं। दिखता है मुझे कि हर इकाई ऊर्जित है, कैसे, शून्य के सहस्तित्व में। हर इकाई नियंत्रित है, स्वयं व्यवस्था है, कैसे, शून्य के सहस्तित्व में। और हर इकाई हर दूसरी इकाई के साथ परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, कैसे, शून्य के सहस्तित्व में। इसी प्रकार हर इकाई अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है, ये स्पष्ट होता है मुझे अनुभव में जाकर। तो अभी हम जो सूचना ले रहे हैं इससे अभी हमें पता लग रहा है कि यहाँ कोई ऐसी वास्तविकता है, शून्य है, इकाइयां हैं, शून्य में इकाइयों में ऊर्जा है, इकाइयां एक निश्चित प्रकार से क्रियाशील है, परस्परता में भी है, बट उसका आधार क्या है, कैसे शून्य इकाइयां जुड़ी हुई हैं, यानी इकाइयां किस प्रकार शून्य में बनी हुई है, ये सब मुझे स्पष्ट नहीं होता। जब अनुभव की स्थिति में होते हैं तो ये मुझे स्पष्ट होता है, जब मैं देख पाता हूँ, इस संपृक्तता को देख पाता हूँ। अस्तित्व का मतलब जो कुछ भी है, है ना, नियंत्रित होने का मतलब एक निश्चित व्यवस्था में होना, हारमोनी में होना, एक निश्चित प्रकार से क्रियाशील होना, क्योंकि निश्चित है इसलिए हम इसको समझ पाते हैं। तो ज्ञान की जो वस्तु है, मधु जी अपने आप देख लें कनेक्शन को एक बार, लगता है मेरी आवाज तो पहुंच पा रही है। तो इकाई स्वयं व्यवस्थित है, हारमोनी में है, निश्चित प्रकार से क्रियाशील है, और तभी हम उसको समझ पा रहे हैं।
तो जो ज्ञान की वस्तु है उसमें आप पाएंगे निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है। निश्चितता मतलब एक ही प्रकार से बना रहता है, निरंतर मतलब हर काल में वैसा ही है, सार्वभौमिकता मतलब हर जगह वैसा ही है, तभी मैं उसको जान पाता हूँ। इकाई के स्वभाव धर्म परम धर्म में निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है। इकाई के रूप गुण में अगर आप देखें तो निश्चितता निरंतरता नहीं है। तो जब मैं अनुभव की स्थिति में देखता हूँ अस्तित्व को, तो शून्य में बने रहते हुए किस प्रकार की पूरी व्यवस्था बनी हुई है यह स्पष्ट होता है, और इसको देखने के साथ ही मेरे में ज्ञान की पूर्णता होती है। तो शिक्षा विधि से अगर हम चलें तो हम इसको क्रमशः इस पर ध्यान दे रहे हैं। पहले तो शून्य भी एक वास्तविकता है जिसको जानना समझना है, इस पर ध्यान ही नहीं जाता। फिर जाता भी है तो क्यों ध्यान देना है, है ना, इससे क्या उपकार होगा, क्या इससे मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भर जाएगी, क्या इससे मेरे घर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, क्या इससे मेरे पड़ोसी के साथ रिलेशन ठीक हो जाएगा। तो शून्य क्यों क्यों समझना है ना, इस पर बहुत सारा हम समय लगाते हैं, इसके रेलिवेंस को अपने आप में टटोलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि अल्टीमेटली सब जानना क्यों है, है ना, न जाने तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या कम रह जाएगा। तो आप पाएंगे कि हम जब ज्ञान की ओर अग्रसर भी होते हैं तो कुछ मुद्दों पे तो हमारा ध्यान जाता भी नहीं है, जाता है तो उसका बहुत रेलिवेंस नहीं दिखाया जाता कि ठीक है एक वास्तविकता है, जानने की वस्तु है, पर मैं क्यों ध्यान दूं अभी इस पे, अभी तो मेरा काम चल ही रहा है, नहीं ठीक ठाक ही चल रहा है। बट जब उसको जी कर देख रहे होते हैं, फिर समस्याओं में जाते हैं, और फिर जो भाव हमारे अंदर सहज रूप से स्वीकार है उनके आधार को देखने की प्रवृत्ति बनती है, इकाई के होने को देखने की प्रवृत्ति बनती है, उसकी निष्ठा बनती है, तब जाकर हमारे अंदर इसकी एक तत्परता बनती है और तब जाकर हम इसको देख भी पाते हैं। तो आप पाएंगे कि सहअस्तित्व तो हमेशा से था, है और रहेगा। सहअस्तित्व में बने रहते हुए ही पूरी प्रकृति एक प्रकार निश्चित प्रकार से बनी हुई है, मैं भी एक निश्चित प्रकार से बना हुआ हूँ, शरीर एक निश्चित प्रकार से बना हुआ है, एक निश्चित विधि से सारा निर्वाह हो रहा है, बस मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। ध्यान दिया तो मेरा जीना ठीक हो गया, ध्यान नहीं दिया तो उल्टा पुल्टा कर रहा था। परंतु कई बार आप पाएंगे कि या लगभग हर बार हम अपने आप में यही पाते हैं कि अभी इसकी देखने की प्रवृत्ति या इसकी प्रायोरिटी नहीं बनी हमारी, इसलिए नहीं देख पा रहे। तो हमारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं, प्रायोरिटीज हैं, उसके बीच में कहीं ये प्लेस होता है। तो अपने में गति करते हुए, अपने विकास करते हुए हम एक ऐसी स्थिति में आ पाते हैं जबकि इसकी एक निश्चित वरीयता दिख जाती है, प्रायोरिटी दिख जाती है, वैसी स्थिति में जाकर मैं इसको देख भी पाता हूँ तो मेरे अंदर ज्ञान की पूर्णता होती है। तो आपको दिखेगा कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, शून्य है जो हर जगह व्याप्त है, ऑल परवेडिंग है, उसमें इकाइयां बनी हुई हैं, जो भी इकाइयां हैं वो सीमित आकार की हैं, स्वयं में क्रियाएं हैं और अन्य इकाइयों के साथ क्रियाशील है। जबकि शून्य को देखता हूँ तो देखता है शून्य क्रिया शून्य है, क्रिया शून्य जो है वो क्रिया के आधार में है, तो जो भी क्रियाएं हो रही हैं एक निश्चित प्रकार से कैसे हो रही हैं उसके आधार में ये क्रिया शून्य है। जो इकाइयां हैं वो मुझे दो प्रकार की दिखाई देती हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ इकाइयों में सिर्फ पहचानना निर्वाह करना दिखाई दे रहा है जैसा मेरा शरीर है, और चैतन्य इकाई यानी स्वयं को देखते हैं तो जानना मानना पहचानना निर्वाह करना ये सारा कुछ दिखाई देता है। तो जड़ इकाइयों को अनित्य कहा क्योंकि वो देश में भी सीमित है, काल में भी सीमित है, स्थान में सीमित है, आकार में सीमित है, और समय में भी उनके गठन में परिवर्तन होता रहता है, समय में भी सीमित है। तो जड़ इकाइयों का अस्तित्व तो बना रहता है बट उनके गठन में परिवर्तन होता रहता है। अपने आप में देखता हूँ मैं तो पाता हूँ कि मैं भी आकार में तो सीमित हूँ बट काल में मैं निरंतर हूँ, स्थान में मैं सीमित हूँ बट काल में अनबाउंडेड हूँ, निरंतर हूँ, इससे कहा उसे कंटिन्यूअस हूँ। शून्य को देखता हूँ तो दिखता है कि शून्य स्थान में भी और काल में भी अनबाउंडेड है, फैला हुआ है, हमेशा था, है और रहेगा, हर जगह है ना और रहेगा, ऐसा दिखाई देता है। तो अस्तित्व में जब मैं अस्तित्व को देखता हूँ तो मुझे एक सत्य दिखाई देता है अस्तित्व, उसी को जब मैं प्रकृति इकाइयों के रूप में देख प्रकृति इकाइयों और उसको शून्य संपृक्त देखता हूँ तो दो तरह की वास्तविकता दिखाई देती है, प्रकृति और शून्य। प्रकृति में भी जब दो तरह की वास्तविकताएं दिखाई देती जड़ चैतन्य तो तीन तरह की वास्तविकताएं हो गई, जड़ चैतन्य और शून्य। तो इसको रखने की बात है, जब मैं इसको शेयर कर रहा हूँ तो मैं एक रख रहा हूँ या दो के रूप में रख रहा हूँ या तीन के रूप में रख रहा हूँ, है ना, पर अल्टीमेटली मुद्दा तो इतना ही है कि अस्तित्व अस्तित्व के रूप में मुझे दिख जाए, अनित्य अनित्य के रूप में मुझे दिख जाए, निरंतर निरंतर के रूप में दिख जाए, नित्य नित्य के रूप में दिख जाए, इतना ही कुल देखने का काम है, इतना ही कुल देखने की वस्तु है।
इस प्रकार से जब मैं पूरे अस्तित्व पर ध्यान देता हूँ तो देखता है कि प्रकृति है जो शून्य संपृक्त है, शून्य असीम है या शून्य है। प्रकृति की हर इकाई आकार में सीमित है, स्वयं में क्रिया है, अन्य इकाइयों के साथ क्रियाशील है, एक नियंत्रित विधि से क्रियाशील है, हर इकाई ऊर्जित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। और दो तरह की इकाइयां हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ इकाइयों के गठन में परिवर्तन हो रहा है बार बार, तो उसको टेम्पररी कहा। चैतन्य इकाइयों का गठन एक प्रकार से बना हुआ है, उसको निरंतर कहा। निरंतर इकाई में ही जानना मानना हो रहा है, जड़ इकाई में तो जानना मानना हो नहीं रहा, सिर्फ पहचानना निर्वाह करना हो रहा है। चैतन्य इकाई में जानने मानने के साथ पहचानना निर्वाह करना हो रहा है। जो हमने प्रकृति में अध्ययन किया था तो जड़ इकाइयों को ही देखें तो दिखता है कि दो अवस्थाओं में है, पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है। पदार्थ अवस्था की सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु है, जो आपस में मिलकर अणु बनते हैं और फिर अणु आपस में मिलकर अणुरचनाएं बनती हैं, और ये अणुरचनाएं दो प्रकार से है, पिंड और रस। प्राणावस्था को देखते हैं तो सबसे छोटी इकाई प्राण कोशा के रूप में दिखाई देती है, यही प्राण कोशाएं एक तरह से रचित होकर पेड़ पौधे बनाते हैं। प्राण कोशाएं दूसरे प्रकार से रचित होकर जीव शरीर बनाते हैं, तीसरे प्रकार से रचित होकर मानव शरीर बनाते हैं। तो जो जीव का शरीर है ये जब चैतन्य इकाई के अस्तित्व में हुआ तो जीवावस्था बनी, जो मानव का शरीर है चैतन्य इकाई के अस्तित्व में हुआ तो ज्ञानावस्था बनी। ज्ञानावस्था में ज्ञान की स्वीकृति पहले से ही है, भाई ज्ञान पूरा हो जाए अनुभव के साथ तो क्रियाओं की पूर्णता हो गई, ऐसा ही जीना हो जाए निश्चित मानवीय आचरण के साथ तो आचरण की पूर्णता हो गई, और यही हर मानव का विकास है, इसमें उल्टा पुल्टा नहीं है, लौटना नहीं है। परंतु यहाँ देखें तो यहाँ पे एक क्रम बना हुआ है, तो पदार्थावस्था प्राणावस्था, प्राणावस्था फिर पदार्थावस्था, ऐसा क्रम हो सकता है, चक्रियता है, यहाँ कोई चक्रियता नहीं है, निश्चित प्रकार से गति हो रही है, एक ही दिशा में गति हो रही है। जितना ज्ञान हो गया वो फिर लौट के अज्ञान में नहीं जाएगा, यहाँ चक्रियता है पदार्थावस्था में, प्राणावस्था में, हमारे शरीर में भी चक्रियता है, पशु के शरीर में चक्रियता है, ज्ञानावस्था की जो चैतन्य इकाई है उसमें कोई चक्रियता नहीं है, विकास है। तो आपको दिखेगा कि पूरा अस्तित्व पहले से ही व्यवस्था में है, सिर्फ एक मैं हूँ यानी मेरे जैसी चैतन्य इकाइयां हैं, जिसमें ये ज्ञान की संभावना होते हुए भी ज्ञान शेष है, ये ज्ञान पूरा हो जाए तो निश्चित आचरण से जी पाते हैं। तो यही कुल करने का काम है, एक मानव के रूप में कुल करने का काम यही है कि प्रकृति की बाकी सारी इकाइयां पहले से व्यवस्थित है। मुझ में ज्ञान होना शेष है, चैतन्य इकाई में ज्ञान होना शेष है, इसी के लिए सारा योजना है, कार्यक्रम है, ज्ञानवान है, मूल्यांकन है, इसी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, इतने सारे चीजें बना रहे हैं, और इसी के न होने से इतना सारा युद्ध हो रहा है, इतनी सारी अव्यवस्था फैल रही है, इतना सारा अन्याय हो रहा है। ये हो जाए तो नहीं होगा, निश्चित आचरण से जियेंगे। तो कुल यही करने का काम है, ज्ञान की पूर्णता हो जाए मुझ में, आचरण की पूर्णता हो जाए परस्परता में, यही मेरा विकास है, यही समाज का विकास है, यही इसी सभ्यता का विकास है, इसी से मानवीय परंपरा तैयार होती है। तो सार्वभौम व्यवस्था के पूरे स्वरूप को देखें तो इस प्रकार दिखाई देता है। इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, इतनी बात स्पष्ट है। तो एक छोर पर अनुभव के लिए क्रियाशील होना, दूसरे छोर पर सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा में भागीदार होना, यही कुल जीने का कार्यक्रम दिखाई देता है, यही हमारी वांछित स्थिति है। हम अभी उसे जिस रूप में भी विचार करते हो, जिस रूप में रखते हो, जिस रूप में विचार करते हो, जिस रूप में भी परस्परता में रखते हो, बट अगर हम देखें तो मूल चाहना इतनी है। हम जिसे सुख कह रहे हैं अल्टीमेटली क्या है, जिसे निरंतर सुख कह रहे हैं वो स्थिति क्या है, वो मुझे दिख जाए अस्तित्व, तो जैसा वैसा दिख जाए, स्पष्ट हो जाए, कहीं भी शंका भय न रहे, मैं अपने आप में सुख की स्थिति में रहता ही हूँ। और जब मैं ऐसा रहता हूँ तो उसका एक सहज रूप से प्रकाशन होता है मेरे जीने में, मेरे आचरण में, ऐसा ही मैं जीता हूँ। धरती के हर मानव के साथ मुझे संबंध दिखाई देता है, प्रकृति की हर इकाई के साथ मुझे पूरकता दिखाई देती है, मुझे दिखता है कि प्रकृति मेरे भोग की वस्तु नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चैतन्य इकाइयों का विकास होता रहे, उस क्रम में इसका सदुपयोग करना है, इसकी सुरक्षा करनी है, इसका संवर्धन करना है।
जी कुछ प्रश्न है निरंतर अश्विन पाठक जी का। निरंतर का मतलब कि अगर के रूप में देख रहे हैं उसको तो गठन की निरंतरता बनी रहती है, यानी ये जो क्रियाएं हैं ये टूटती फूटती नहीं है। परंतु यदि जड़ इकाइयों को देखें, कोई परमाणु को देखें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिनको हम अभी अध्ययन करते हैं, वो टूटते फूटते रहते हैं, जुड़ते बनते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर निकल गया, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आके शामिल हो गया, न्यूक्लियस टूट गया तो भयानक आवेश पैदा हुआ। अब ये सब क्रियाएं जो है जड़ परमाणु में तो हो रही है बट मुझ में नहीं हो रही। अधिक से अधिक ये हो रहा है कि कुछ क्रियाएं अजागृत थी अब जागृत हो गई, मुझ में विकास हो रहा है। टूटना फूटना जुड़ना बढ़ना घटना ये सब जो है जड़ इकाइयों में हो रहा है, मुझ में नहीं, इसलिए इसको निरंतर कहा। सहज स्वीकृति को पूर्णता का पता है तो ऐसा नहीं, सहज स्वीकृति पूर्णता की है कि हम पूर्ण हो जाए, ये तो सहज स्वीकृति है। पर पता होना मतलब ज्ञान होना, ज्ञान तो मुझे स्वयं में होना है जिसकी सहज स्वीकृति पहले से बनी हुई है। आलोक मिश्रा जी का प्रश्न जी, तो पूरी बात को अगर देखें तो इतनी ही बात है कि मानव मैं और शरीर का अस्तित्व है, मुझ में ज्ञान की क्षमता है, मैं जानना चाहता हूँ जान सकता हूँ, अस्तित्व सहस्तित्व रूप में है, तो इकाइयाँ हैं जो शून्य में संपृक्त हैं। संपृक्त का अर्थ ये हुआ कि इकाइयाँ शून्य बने रहते ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचान रही, निर्वाह कर रही हैं, इसको मुझे देखना शेष हो सकता है, इसी को मैं देख लेता हूँ, इसको अनुभव कहा। जब मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर ज्ञान की पूर्णता होती है, और जब मैं इसको देख पाता हूँ तो वही मेरी भागीदारी के रूप में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था और मानवीय परंपरा भागीदारी के रूप में दिखाई देता है। तो कुल बात इतनी ही है, यही मेरा विकास है, यही आपका विकास है, यही मानव जाति का विकास है, यही मानवीय परंपरा का विकास है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा सबको सुलभ होता रहे। तो कैसे पूरा करेंगे उसी क्रम में शिक्षा है। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं वहां से कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो एक समय था जब भिन्न भिन्न स्तर पे जी रहे लोगों के लिए, भिन्न भिन्न जगहों पे क्रियाशील लोगों के लिए कुछ कुछ कार्यक्रम चलते रहे, जिसको नाम दिया लोक शिक्षा। कि ये पूरी जो वस्तु है किसी रूप में पहुंच जाए, कोई प्रौढ़ व्यक्ति है, गृहस्थ है, कोई व्यक्ति है ना बाल्यावस्था में है, जहां जो भी है उस तक ये बात पहुंच जाए, उसको लोक शिक्षा का। अभी विधिवत प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक आ जाए उसको कहा कि इसको मूल्य शिक्षा, शिक्षा मूल्य आधारित हो जाए, पूरी शिक्षा ही मूल्य शिक्षा के रूप में परिणत हो जाए। कभी देखें तो लोक शिक्षा पे जितना काम हुआ उससे शिक्षा में ये बात रखनी शुरू हुई, और धीरे धीरे शिक्षा मूल्य शिक्षा के रूप में परिणत हो रही है। जहाँ एक कोर्स के रूप में जा रहा था वहाँ कई कोर्स बनने लगे। अब धीरे धीरे संस्थाएं भी इस रूप में तैयार हो रही हैं कि वो पूरी शिक्षा को इस आधार पर देना शुरू करें। ये भी बात हो रही है कि क्यों ना पूरा शिक्षण संस्थान ही एक परिवार के रूप में चले और साथ साथ जीना शुरू हो इस रूप में, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। कुछ कॉलेज इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में एक निश्चित रोल को पूरा कर पाते हैं, निश्चित भागीदारी को पूरा कर पाते हैं। इस क्रम में जाएंगे तो शिक्षा से फिर संविधान में भी बात जाएगी, संविधान से फिर पूरी व्यवस्था में भी बात जाएगी, और उस तरह से धीरे क्रमशः एक मानवीय परंपरा में बात स्थापित होती जाती है। यही कुल योजना है, यही कुल कार्यक्रम है। सार देखें तो इतना ही है ना, इसके अन्यथा कुछ भी कर रहे हैं उसमें तृप्ति नहीं है, न मेरी तृप्ति न अगले की तृप्ति है। ये बात हमको दिख पा रही कि नहीं, इसको हम अपने आप में प्रश्न कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से प्रस्ताव के रूप में इतना ही था, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी आलोक जी। भैया नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया, आवाज आ रही है? आवाज आपकी थोड़ी सी कट रही है। अच्छा, तो भैया मेरा प्रश्न ये था कि जैसे सहज स्वीकृति पर मेरा पता था कि जैसे सहज स्वीकृति को अगर पहले से ही पूर्णता का ज्ञान नहीं है तो कोई चीज़ हम करते हैं और हमको सुख का या दुख का अनुभव, मतलब उस समय हमको खुद ही ऐसा अंदाज लगता है कि इससे हमको सुख नहीं मिला, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं भैया हमको ऐसा लगता है कि आंतरिक ज्ञान का एक ऐसा होना चाहिए मनुष्य में जिसकी वजह से हमको ये अंदाज लगे कि जिसका ज्ञान भले हमको नहीं मिला हुआ है लेकिन ये चीज़ गलत हो रही है, तो हमको जो एहसास शुरुआत में हो जाता है कोई चीज़ किसी कष्ट हमने दिया तो अंदर से अशांति जो आ जाती है या जो दुख आ जाता है, तो उसके लिए सहज स्वीकृति मेरा मतलब अनुमान ये है कि
उसको ज्ञान का की झलक वहां होनी चाहिए, तभी वो कंपेयर करता है और दुखी होता है, ऐसा नहीं है? सहज स्वीकृति को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। सहज स्वीकृति का मतलब कि जो कुछ भी है वो शून्य के माध्यम से मुझे पहले से रिफ्लेक्टेड है, मैं ध्यान देता हूँ तो दिखाई देता है, उसको सहज स्वीकृति का। तो सहज स्वीकृति को ज्ञान होना चाहिए या ज्ञान होता है ऐसा कुछ नहीं, ज्ञान तो आपको होता है, आप में सहज स्वीकृति है, आप में ज्ञान की संभावना है, आप में ज्ञान के प्रति स्वीकृति है, जिसको सहज स्वीकृति कहेंगे। और इसीलिए जब भी मैं कुछ इससे अन्यथा जीता हूँ करता हूँ विचार भी करता हूँ मैं दुखी परेशान होता हूँ, उसके अन्यथा जीता हूँ तो भी मैं परेशान होता हूँ। तो हमारे अंदर सत्य के प्रति, धर्म के प्रति, न्याय के प्रति सहज स्वीकृति पहले से बनी हुई है, बट उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान इसलिए नहीं क्योंकि ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी अन्य जगहों पे सुख लग रहा है, वहां ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देंगे दिखाई देगा, ये मुझे भी दिखाई देगा, अगले को भी दिखाई देगा। तो चाहिए जैसी कोई बात नहीं है, हमारे अंदर इसके प्रति सहज स्वीकृति बनी हुई है, यही कि उसका देखना समझना शेष है, उसको ही पूरा करना अपने लिए जीने के लिए कार्यक्रम है। ठीक है भैया, धन्यवाद, बढ़िया भैया। और कोई प्रश्न? राजकुमारी जी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जी नमस्ते भैया, मैं मुझे ये पूछना था, जैसा कि मुझे समझ आया है कि एग्जिस्टेंस जो है या सह अस्तित्व जिसे हम कह रहे हैं, सह अस्तित्व में तीन तरह की वास्तविकताएं मुझे दिखाई देती हैं। एक तो शून्य है, दूसरा चैतन्य है और तीसरा जड़ है। तो एक तरह से जब मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करती हूँ तो मुझे ये भी लगा है कई बार कि इसे हम दो भी तरीके से रख सकते हैं, एक तो क्रिया है और एक है अक्रिया। अक्रिया जिसे हम अक्रिया ना कर, ना कर क्रिया शून्य कहें, क्रिया शून्य और क्रिया के रूप में भी हम इसको रख सकते हैं। और अगर और मैं और एक्सप्लोर करती हूँ जब इसको, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जड़ में भी जो परिवर्तन हो रहा है उसको कहेंगे हम कि उसमें संरचना विरचना जो हो रही है या संगठन विघटन जो हो रहा है उसके बाद भी, लेकिन वो बना तो हुआ ही है, उसकी एसेंस कह लें या जो भी कह लें वो तो सदा है ही, और चैतन्य भी सदा है ही और स्पेस भी सदा है ही। तो क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ भैया? जी, तो जो सदा है उसी को नित्य कहा, कि शास्त्री तो सदा से है, सदा रहेगा शास्त्री। जी जी, तो इस तरह से शास्त्री के रूप में देखा। जी जी, एक सत्य दिखाई दिया शास्त्री को। जी, उसी को फैला के देखा तो दो प्रकार से दिखाई दिया, शून्य यानी क्रिया, शून्य और क्रिया। क्रिया को और फैला कर देखा, दो तरह की क्रिया है, जड़ चैतन्य। उसको और फैला के देखा तो चार अवस्थाएं, ऐसा दिखाई देता है। जी भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे से समझ आया, धन्यवाद भैया। चार अवस्थाओं को और फैला के देखें तो हर एक अवस्था का स्वयं व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है ना। तो जितना फैला के देखते हैं वो भी दिखाई देता है, जितना समेट के देखते हैं वो भी दिखाई देता है। जी जी, तो हम ये बात तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो पा रही है अभी कि सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है, वो तो है ही, सदा से है ही और रहेगा ही। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी, समय और कितना देख लें, महेश जी का हैंडल है बट एक बार देख लें हम लोग समय कितना शेष है। भैया जी, समय तो हो चुका है अगर तो आप अनुमति। हाँ, तो हम लोग फिर इसको क्लोज कर लेते हैं, महेश जी के प्रश्न को आखिर में ले लेंगे या कभी आप कॉल कर लीजिए तो कॉल पे बात कर लेंगे। जी, तो सभी को धन्यवाद, मेरी बात पूरी हो गई है, सभी को नमस्ते।